आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। एक बड़ी ही दुखद भरी खबर इस समय जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के नगरोटा में जो है वो एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बता दें कि एक जो बाइक पर सवार युवक हैं उनकी उसमें मौके पर जान चली गई है। काफी दुखद भरा अपडेट इस समय जो है वो आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा ही दुखद भरा जो हादसा है वो देखने को मिला है, जिसमें बाइक पर सवार 25 से 30 साल की उम्र के जम्मू के न्यू प्लांट के रहने वाले एक युवक की जान चली गई है, जिनके शव को फिलहाल जीएमसी जम्मू के मोर्चरी में यहां पर लाया गया था, लेकिन यहां पर पोस्टमार्टम करके जो आगे की ये कहें कि फिलहाल परिजनों के हवाले उस शव को यहां पर कर लिया गया है। ये बहुत ही दुखद भरा जो अपडेट है वो हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के नगरोटा में हाईवे पर उस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ है जब जम्मू के न्यू प्लांट का रहने वाला एक युवक बाइक पर जो है वो यहाँ पर सवार था, लेकिन पीछे से जो है वो एक पैसेंजर बस के हवाले से बताया जा रहा है, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी हमारे पास पहुंची है कि उस बस ने जो है वो इस युवक को हिट कर लिया है, जिसकी वजह से न्यू प्लांट के रहने वाले इस 25 से 27 साल की उम्र के युवक की जो जान है वो वहां पर मौके पर चली गई थी। हालांकि कोशिश की गई कि इसे समय रहते जम्मू में जो है वो जीएमसी जम्मू में यहाँ पर हॉस्पिटलाइज किया जाए, लेकिन बड़ा ही दुखद रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर्स भी उसकी जान को नहीं बचा पाए हैं, जिसके बाद परिवार में एक मातम सा छाया हुआ है। हालांकि इस हवाले से ज्यादा जानकारी आना बाकी रहेगा कि आखिरकार किस तरह से यह हादसा जो है वो देखने को मिला है। फिलहाल पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच करने में लगी हुई है, लेकिन आप सब लोगों से कहेंगे कि जब भी आप लोग गाड़ी चलाएं तो धीरे चलाएं ताकि आप और आपके चाहने वाले सेफ रहें और किसी भी तरह का कोई हादसा जो है वो देखने को ना मिले। तो काफी दुखद ये खबर है जो कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के नगरोटा से सामने आई है। यहाँ पर पैसेंजर बस के ये बताया जा रहा है कि एक पैसेंजर बस ने बाइक वाले को हिट करा है, जिसमें बाइक पर सवार नौजवान जिसकी उम्र 25 से 27 साल की करीब बताई जा रही है उसकी इसमें जान चली गई है, और जिसके बाद फिलहाल पोस्टमार्टम करके उसकी बॉडी को जो है वो इस समय यहाँ पर जीएमसी जम्मू के मॉर्चरी से जो है वो परिजनों के हवाले किया गया है, और उम्मीद है कि पुलिस इस पूरे हादसे के पीछे का पता लगाएगी ताकि परिवार को इंसाफ मिल सके और दोबारा कोई भी इस तरह की जो घटना है वो ना देखने को मिले। तो जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर दे और साथ साथ आत्मा की शांति के लिए दुआ जरूर करे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर जम्मू।